ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलीयिल अज़ीम हसबुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلام على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات لائق صد احترام موالیان حیدر کرار सरकारे गरीबुल गुरबा अनीसुन नुफूस शम्सुश शुमूस अल मदफून बे अर्दतूस इमामुर रऊफ हज़रत अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहि सलातो व सलाम की विलादत व सआदत के उनवान से और पिछले हफ्ते जो आपने बयान समात फरमाया उसमें चंद कराइस मौला रज़ा अलैहि सलाम के एतबार से पेश किए गए। आज भी हमारी गुफ्तगू का मरकज़ और महवर सामिनुल हुजज सामिनुल अइमा मौला अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहि सलातु वस्सलाम होंगे और बात का आगाज़ इस नुक्ते से करना चाहूँगा जैसा कि उनवान आप तक पहुँचा होगा कि मौला रज़ा अलैहि सलाम ज़ामिन ईमान मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अलकाब हैं उन अलकाब में से एक लकब ज़ामिन भी मिलता है यानी मौला के बहुत सारे अलकाब और अलकाब में से एक लकब ज़ामिन ज़ामिन यानी ज़मानत लेने वाला गारंटी लेने वाला। वो वाक़या आप सबका सुना हुआ वाक़या और बार बार का सुना हुआ वाक़या और यूँ तो इससे मिलते जुलते और मुशाबह वाक़यात चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा में भी मिलते मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा और आपकी सीरत के अंदर भी मिलते और मौला इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी मिलता है। क्या हैवानात से गुफ्तगू करना या हैवानों का इमाम मासूम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करना बार हाँ ये मिलता है लेकिन मौला का ये जो लकब है ज़ामिन ये इस वाक़े के बाद नहीं
बल्कि मौला का लकब पहले से जामिन है। ये वाक़या उसके बाद पेश आया और वो वाक़या वही कि एक शिकारी ने हिरनी का शिकार किया और शिकार करने के बाद वो उसे अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में उसने मौला रज़ा अलैहिस्सलाम को देखा और दौड़ कर मौला की खिदमत में आई और आने के बाद अपना सर मौला के कदमों में रख दिया। अब वाकया में पूरा मुफसल बयान नहीं कर रहा, हुआ क्या, उसने अपने ख़ास अंदाज में जैसी उसकी आवाज़ें निकलती हैं जब हिरनी कोई आवाज़ निकाले, मौला ने उसकी गुफ्तगू को सुना और उसके बाद शिकारी से कहा कि इसने ये इल्तिजा की है और इसकी इल्तिजा बस यही है कि मेरा शिकार हो गया, ये मुझे ले आया और मेरे बच्चे वहाँ पर प्यासे होंगे, उनकी ग़िज़ा का वक्त हो गया है, मुझे इतनी इजाज़त दे दे कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊँ। मौला ने कहा कि जाने दे, ये कह रही है। कहा आपको कैसे पता? कहा ये कह रही है, मैं बयान कर रहा हूँ। कहा अगर ये वापस ना आई तो जमानत कौन ले रहा है, जामिन कौन है? कहा मैं जामिन हूँ, मैं जमानत दे रहा हूँ। और उसके बाद वो हिरनी गई, जाने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाया, वापस आई और जब वापस आई, जब तक वापस ना आई तब तक मौला रज़ा अलैहिस्सलाम वहां पर बैठे रहे, इंतजार करते रहे, गारंटी थे ना, जामिन थे। अब मुझे ये बताइए कि एक हैवान, उसके पास अकल होती है सोचने के लिए? नहीं होती, एहसासात होते हैं, अकल नहीं होती, एहसासात होते हैं, लेकिन जिस तरह से इंसानों के पास अकल होती है वैसे उसके पास अकल नहीं होती। मगर उसके बावजूद भी वो पलट कर वापस आ रही है और आने के बाद अपना सर मौला के कदमों में रख रही है। मौला ने फौरन से उस हिरनी को कहा, ये हिरनी को लेकर उस शिकारी के खिदमत में पेश किया और कहा कि ये ले, अब ये तेरी हो गई, अब ये चीज़ तेरी, तुझे वापस मिल गई। कहा नहीं मौला, अब ये हिरनी आज़ाद हो गई है, मैं आपका गुलाम हो गया हूँ, ये हिरनी अब आज़ाद है, आज से मैं आपका गुलाम हूं, मेरा सलाम हो। एक शिकारी बद्दू होगा, वो कोई पढ़ा लिखा तो नहीं होगा, लेकिन एक बद्दू को भी इस तरह से हिदायत मिल रही है इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद अकदस से। ये बद्दू उन पढ़े लिखे लोगों से कई ज्यादा गुना अफजल है कि जो मौला की फजाइल को, मौला के माजिस को, मौला के इल्म को, मौला के जोदो तकवा को, मौला की सीरत को, मौला के वजूद अकदस नूरानिया को अपनी निगाहों के सामने देखता है मगर सारी जिंदगी बातिल के साथ रहता है और हक की पैरवी नहीं करता, उससे बेहतर है ये शिकारी भी और उससे बेहतर है ये हैवान भी। कि हैवान है मगर जानता है कि मैंने किसकी इत्तबा करनी है, मैंने किसकी बात सुननी है और किसकी बात माननी है। जामिन ईमान, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं कि जिन हदीसों के अंदर ईमान की जमानत हो जाती है, ठीक है। अब उन हदीसों में से एक आध मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। एक शख्स, एक वाकया मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की हयात का, एक शख्स हिंदुस्तान से आता है, चलता है हिंदुस्तान से, किस चीज़ की तलाश में, बिहारुल अनवार में यह वाक़या लिखा हुआ है। एक शख्स चलता है हिंदुस्तान से, इस्माइल, अबू इस्माइल हिंदी या इस्माइल हिंदी, ये हिंदुस्तान में सुनता है कि इस ज़माने की हुज्जत रूए ज़मीन पर अर्ज़ खुरासान के अंदर मौजूद है या मदीना मुनव्वरा, दो में से एक जगह वहाँ पर मौजूद है, और चलता है तलाश करने के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, नाम नहीं मालूम, बस कहता है हुज्जत खुदा, इमाम मासूम, रसूल खुदा के फर्जन, तलाश करने के लिए निकलता है। यहां तक कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का पूछते पूछते आका की खिदमत आलिया में पहुंच जाता है। जैसे ही मौला की खिदमत में आया तो एक मर्तबा सलाम करता है, जैसे सलाम किया मौला ने सलाम का जवाब देने के बाद उसके साथ हिंदी जबान के अंदर कलाम करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान से चला,
तलाश कर रहा है इमाम मासूम को, ये जो तलाश है ना, ये उसके जहन में कैसे आया कि मुझे अपने इमाम को तलाश करना है। एक इमाम वो होता है कि जो अल्लाह का नुमाइंदा होता है जमीन पर, उसका कहा बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हुक्म खुदा। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे ना, इमाम का हुक्म न मानने की जो सजा है वो यही है कि परवरदिगार आलम के हुक्म की मासियत की है, मुखालिफत की है, ठीक है, यानी रब्बे जुजलाल का नुमाइंदा जमीन पे कौन, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम। ये उसके जहन में कहां से आया कि मैं जिस जमाने में जिंदगी गुजार रहा हूं, इस जमाने का इमाम जिंदा है और मुझे उसकी खिदमत में जाना चाहिए, और अगर मैं नहीं जानता कि वो कहां है तो मुझे उन्हें तलाश करना चाहिए। ये रब्बे जुलजलाल जब किसी पे अपनी रहमत खास फरमाता है तो उसके दिल में ऐसा ख्याल आ जाता है कि मुझे किस तरह से अपने इमाम मासूम तक पहुंचना है, या उनको उनकी पैरवी करनी है, जो उनके अहकाम उनकी जानिब से मुश्तक आए उसकी इत्तबा करनी है। अच्छा खैर, अब मौला की मोहब्बत उसके दिल में, देखा नहीं है सिर्फ सुना कि अल्लाह की हुज्जत रूए ज़मीन पर मौजूद है, जिंदा है, मिलना है, मिलने के लिए जा रहा हूँ, ज्यारत करने के लिए जाना है। जैसे आया सलाम किया, मौला ने सलाम का जवाब देते साथ ही हिंदी जबान में कलाम करना शुरू कर दिया, और अब वो जो एतराज़ात थे उन एतराज़ात के जवाब मौला रज़ा अलैहिस्सलाम एक एक करके देते गए, और फिर फरमाते हैं कि जिस हुज्जत खुदा की तलाश में तो हिंदुस्तान के फलां इलाके से चला है, वो अल्लाह की हुज्जत मैं ही अली इब्ने मूसा रज़ा हूँ। इतने में वो जाते से पहले ये कहता है मौला से कि मौला मेरे लिए बहुत साब है, अरबी जबान बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं अरबी जबान में बात नहीं कर सकता, तो अगर आपके लिए मुमकिन हो तो मुझे अरबी जबान सिखा दीजिए ताकि मैं अहले लुगत से यानी कि अरबों से मैं अरबी जबान में भी अगर चाहूँ तो बात कर सकूँ। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने करीब बुलाया और अपना दस्ते मुबारक उसके लबों पर फेरा। अभी दस्ते मुबारक के वली ये खुदा हज़रत अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम उसके लबों को लगा ही था, वो फर फर ऐसे अरबी बोलने लगा कि जैसे अरबी उल असल अरबी जबान बोला करता है। तो मौला के पास आने का फायदा, मौला की खिदमत में आने का सबसे बड़ा फायदा, मौला की ज़ियारत हो गई और उसे ईमान की दौलत, बराह रास्त मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से उसका ईमान और मुस्तकम हो गया। तो उखरवी फायदा तो मिला, दुनियावी फायदा भी मिला कि एक जबान भी आ गई, और मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में उसने इल्तिजा की, और इल्तिजा करने को मौला ने कोई बुरा नहीं माना, इसको मौला ने बुरा नहीं जाना। ये उन अफराद के लिए जो ये कहते हैं कि हम कब्रे मौला इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की जाते हैं तो हम वहाँ पर कोई हाजत तलब नहीं करते, हालांकि इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की रिवायतें और अहादीस हैं, हत्ता के दसवें इमाम या ग्यारहवें इमाम अलैहिस्सलाम का वाकया कि फरमाते कि जब जाना हमारे जद हुसैन गरीब अलैहिस्सलाम की कब्र पर ज्यारत करने के लिए तो हमारा भी सलाम अर्ज कर देना मौला की खिदमत में, और उनकी कब्र पे जाके हमारी सेहत के लिए दुआ करना। यानी मौला ये सिखा रहे हैं कि ज्यारत के लिए भी जाओ और दुआ भी करना। ये वो जगह है कि जो दुआओं की कबूलियत की जगह क्यों है, इसलिए है कि परवरदिगार आलम ने उन्हें दुआओं की कबूलियत की जगह बनाया है, परवरदिगार आलम ने उन जगहों को दुआओं की कबूलियत की जगह और उसका मौज़े और मकाम इसलिए बनाया है कि वो पसंद करता है कि मेरे औलिया की कब्रों पर जब भी आओ तो मुझसे तलब भी करो, मुझे याद भी करो। एक वाकया और, जामिन ईमान है, एक वाकया और समाज फरमाए। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया दूर का सफर इख्तियार करके,
और उसकी कुछ हाजात थी, उसने तलब करनी थी, और उसके जहन में था कि मैं मौला से कुछ दीनार मांग लूँगा, और तालिबन 30 दीनार का उसने जहन में रखा था, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं आ रही है, लेकिन मिसाल के तौर पर 30 दीनार उसने अपने जहन में रखे, और उसने सोचा कि मैं मौला की खिदमत में जब हाजिर होऊंगा तो 30 दीनार मौला से तलब कर लूँगा, और मौला से ये 30 दीनार तलब करने के ज़रिए से मैं इन 30 दीनार का करूँगा क्या, मैं अपनी बेटी की शादी इन 30 दीनारों से करूँगा। ये सोचा और मौला की बारगाह में पहुँचने के लिए कूच कर गया। जब वो आका की खिदमत में हाजिर हुआ, मौला ने सलाम का जवाब देने के बाद अपने ग़ुलाम से कहा कि वो जो अशरफियों की थैली हमने रखी है वो ले आओ, और जब वो लेकर आया तो अशरफियों की थैली थी उसकी खिदमत में, और उसके बाद ग़ुलाम से कहा कि फुला मेरे संदूक के अंदर एक कपड़ा रखा हुआ है, वो कपड़ा भी ले आना। वो कपड़ा भी ले आए, और जब ला कर ये दोनों चीज़ें मौला की खिदमत में पेश की गई तो आका ने दोनों ही चीज़ें, वो जो आया था साहिल सवाल करने वाला, उसकी खिदमत में रख दी, उसके सामने रख दी, और फिर मौला ने इरशाद फरमाया कि ये रकम तेरी बेटी की शादी के लिए, और ये हमारी जानिब से तेरी बेटी की शादी का तोहफा है, ये लिबास उसके लिए तैयार करना ताकि वो उसे ज़ेब-ए-तन करे। ठीक, ये हो गया। सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं था कि वो 30 दीनार का ख्याल जहन में रख के आया हो, बल्कि उसके जहन में था कि जब मैं मौला और आका की खिदमत में जा रहा हूं तो उनकी इमामत पर दलील के लिए एक मौजजा भी तलब करूंगा, लेकिन जब आका ने उस पर इतना करम फरमाया, शर्मा गया कि अब मैं मौला से क्या मैं मौजजा तलब करूं, मुझे यकीन हो गया कि मेरे जहन के अंदर आने वाली 30 दीनार वाली बात जो सिर्फ मैं जानता था या मेरा खुदा जानता था, वो बात ये हस्ती जानती है। ठीक, तो अब मैं कैसे तलब करूं, और ये उठकर, ये सोचकर उठ के जाने लगा तो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि रुक जा, ठहर जा, अभी कहां जा रहा है, मौला आपसे इजाजत, इज़्ने रुख्सत। कहा कि वो जो ख्याल तेरे जहन में अब भी बाकी है, जो सोच कर आया था कि मुझसे सवाल करेगा, वो सवाल पूछे बगैर चला जाएगा, वो सवाल पूछे बगैर यहां से वापस चला जाएगा। कहा मौला शर्म आ रही है, हया आ रही है, और ये कहकर आका ने दस्ते मुबारक को जमीन पर ऐसे फेरा, जमीन पर रेत थी, जहां जहां से मेरे मौला रजा अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक गुजर रहा था वहां वहां की रेत जैसे हटती जा रही थी, जमीन के अंदर के जवाहरात जमीन उगल उगल के बाहर फेंकती जा रही थी। या अली मदद हक है, उसके जहन में ये आया कि काश मौला इन जवाहरात से कुछ मुझे भी इनायत कर दे। उसने यहां सोचा और वहां मौला ने दोबारा से अपना हाथ दोबारा पीछे की तरफ खींचा, जहां से मौला का हाथ गुजरा वही दोबारा वापस पलटाया, और ये कहते जाते थे कि अभी जो तू सोच रहा है उसका वक्त नहीं आया, वक्त नहीं आया। क्या बस यहां पे रिवायत खत्म हो गई? अल्लामा मजलिसी आलल्लाहु मकामहू, क्या अजीम खिदमत अंजाम दे गई है अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बयानून करके लिखते हैं कि मौला रिजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी इसका वक्त नहीं आया। इसके माना यह हो सकते हैं कि इमाम जमाना अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लेकर आएंगे तब जमीन अपने खजानों को बाहर उगल देगी, जब तक हमारे हुज्जत का, हुज्जत आखिर का इमाम जमाना साहिबुल अमर नरजिस के लाल सलामुल्लाह अलैह और इमाम हसन अस्करी अलैह सलाम के जिगर के टुकड़े, अभी उनका जहूर नहीं हुआ है, तब तक हमने तुम्हारे यकीन में इजाफे के लिए
तुम्हारे ईमान की जमानत के लिए तुम्हें ये मौजज़ा दिखा तो दिया है, मगर इनमें तसर्रुफ उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक हमारी आल से आने वाली आखिरी हुज्जत खुदा जाहिर ना हो जाए, जब तक जाहिर ना हो जाए। तो मौला माजिस के जरिए, मौला उन इल्मी खास जिनको कहा जा सकता है कि जो उमूमन लोगों को नहीं मालूम होते, बयान करने के जरिए से लोगों की ईमान की जमानत ले रहे थे, लोगों की ईमान की जमानत जब तक हुज्जत खुदा रूए ज़मीन पर है, अगर हम और आप उनसे अपने आप को मुत्तसिल रखेंगे, याद रखिएगा हमारा ईमान महफूज रहेगा। वरना मुझे बताइए क्या हम अपने ही मेहनत से अपना ईमान महफूज रख सकते हैं? वो इंसान के जो इतना पढ़ा लिखा, आलिम बना, मुफ्ती बना, काजी बना, काजी छुड़े कतरे हुसैन का फतवा दे दिया, तो वो इंसान अपने लिए क्या सोचता है कि मैं अपना ईमान बचा के इस दुनिया से जाऊं, जब मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का वक्त आए तो मेरा ईमान सलामत हो। तो अगर ईमान सलामत चाहते हैं और ईमान की जमानत चाहते हैं तो आ जाइए सरकार अली ने मुसर रज़ा अलैहि सलाम के दर पर। ये वो दर है कि जिस दर पर ईमान महफूज है। और क्या खास तौर से मैं आपकी खिदमत में आज वो हदीस कि जिसे हदीस सिलसिलतु ज़हब कहा जाता है, उसका मुख्तसर कुछ बयान पेश करना चाह रहा हूं। और ये बात याद रखिएगा कि ये हदीस कोई मामूली हदीस और मामूली रिवायत और मामूली अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज नूरानी हैं, इसलिए कि जुबान नूरानी इमाम मासूम से जारी हो रहे हैं। ये अल्फाज ऐसे हैं कि जिन अल्फाज के अंदर ये तासीर है कि अगर किसी दीवाने पर पढ़ा जाए तो वो ठीक हो जाए, अगर किसी मरीज पर पढ़ा जाए, दम किया जाए, वो ठीक हो जाए। ये अल्फाज है। और मानी तो मानी की क्या बात है, क्या ही बात है। मौला रिजा अलैहिस्सलाम है, आप शहरे मर्व में निशापुर के जरिए से दाखिल हो रहे हैं। मौला शहरे मर्व आ रहे हैं, मर्व खुरासान मशहद मुकद्दस मुख्तलिफ नाम है एक ही जगह के, तूस। मगर जब मौला दाखिल हो रहे हैं तो पहले मौला का गुज़र निशापुर से हुआ, और जब मौला निशापुर तशरीफ़ लेकर आए तो मौला ने क्या देखा कि लोग वहाँ पर पहाड़ों को काट के और प्याले बनाते हैं, अपने घर के जो प्याले इस्तेमाल करते हैं वो, तो पहाड़ों के जो चट्टानें होती हैं उनको काटते और उनको तराश के उसके प्याले बनाते हैं, ज़र्फ बनाते हैं। मौला रिज़ा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये बहरहाल एक मशक्क़त आमेज़, एक मुश्किल काम है। मौला उन लोगों के पास तशरीफ़ ले गए उस पहाड़ के करीब, और मौला ने पूछा कि तुम्हें अजियत होती क्या होता? कहा मौला बस अब आदि हो गए। आका रज़ा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की अजियत और तकलीफ़ को देख के एक मरतबा दस्ते दुआ को बुलंद फरमाया और दुआ की कि परवरदिगार इनके लिए इस अमर को सहल फरमा, आसान फरमा। उस दिन के बाद से वो पहाड़ उनके लिए नरम हो गया और अब उन्हें अजियत नहीं हुआ करती थी। जब वो अपने लिए कोई प्याला बनाना चाहते थे बहुत आसानी के साथ उस पहाड़ की चट्टानों को काटते थे और उसको बहुत सहल अंगारी के साथ तराश कर अपने लिए प्याले बना लिया करते थे। ये एक मौजज़ा। और ऐसे मुख्तलिफ मआजिज़ जो मौला ने रास्ते के अंदर दिखलाए उनमें का एक मौजज़ा वो कि जब मौला निशापुर पहुंचे और मौला की नमाज के लिए वजू करना है, मौला ने जब अपने गुलाम से पूछा तो जवाब यह आया कि मौला पानी खत्म हो चुका है, हमारे पास जो पानी के ज़खायर थे वो खत्म हो चुके। और फिर वहां पर वो चश्मा जारी किया कि जो आज भी
ज्यारतगाह जहाँ पर निशापुर के अंदर कदम का है, मौला अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम निशापुर के अंदर मौजूद है, वहाँ पर वो कुआं आज भी जारी है। अगर जो उसे बंद किया गया है और पाइपलाइंस के ज़रिए से नलकों के अंदर पानी उसका आता है, लेकिन नीचे तहखाने के अंदर वो कुआं आज भी मौजूद है। और मुख्तलिफ वाक़ियात ऐसे हैं कि लोगों को उस पानी से शिफा नसीब हुई। लेकिन अज़ान मोहतरम, जब लोगों को ये बात मालूम हुई कि फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहि सलातो वस्सलाम निशापुर तशरीफ़ लाए हैं, तो 2-4 हज़ार नहीं, 15-17 हज़ार नहीं, 24 हज़ार उलमा और साहिबान कलम नहीं मालूम कहाँ कहाँ से जमा हुए और मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया के अंदर हाजिर हुए। और ये सारे के सारे आने के बाद ये कहते थे, कोई ये कहता था कि हम रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थे, अपने चेहरे की ज़ियारत करवा दें, कोई ये कहता था कि मौला कोई हदीस सुना दें, और ज़्यादातर अफराद जो आए थे इनका यही कहना था कि आपकी ज़ुबान मुबारक से कोई हदीस सुनना चाहते हैं। और हदीस कौन सी हदीस? हदीस रसूल। और उसके बाद फिर मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने की ज़ुबान मुबारक चलना शुरू हुई, यहाँ से मौला की ज़ुबान अकदस से अल्फाज निकलना शुरू हुए, वहाँ पर 24 हज़ार अफराद के कलम चलना शुरू हुए और लोगों ने लिखा। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान किया, लोगों ने लिखा, क्या लिखा? समय तो अन अभी मूसा इब्न जाफर, और फिर क्या फरमाया? मेरे बाबा से मैंने सुना, उन्होंने अपने बाबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुना, और उन्होंने अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना, उन्होंने अपने बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सुना, और उन्होंने अपने बाबा आकाब अब्दुल्ला से सुना, उन्होंने अपने बाबा मौला कायनात अलैहिस्सलाम से सुना, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना, रसूलुल्लाह ने जिब्रील से, और जिब्रील ने परवरदिगार आलम की बारगाह से खबर पहुंचाई, कलिमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, मेरा फोर्ट है, मेरा किला है, फमन दखल हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी, जो मेरे इस किले में दाखिल हो गया वह मेरे अजाब से महफूज हो गया। और मौला की सवारी का पर्दा गिरा, मौला की सवारी कुछ चली, फिर मौला की सवारी रुकी, फिर पर्दा उठा। जैसे ही पर्दा उठा, लोगों की परागंदा तवज्जोहात दोबारा से मरकज़े नूर जबना रसूलुल्लाह की तरफ से होगी, दोबारा से लोग मौला की तरफ मुतवज्जे हुए। और उसके बाद फिर आका ने फरमाया, बल बिशरूतहा या अम्मा मिन शुरूतहा व अना मिन शुरूतहा, या अम्मा बिशर्तहा व अना मिन शुरूतहा। याद रखना, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का किला है, और जो इस हिस्न के अंदर और इस किले के अंदर आ जाए वो अजाब से महफूज हो जाएगा, लेकिन इस किले में दाखिले की शर्त है। और मौला ने इरशाद फरमाया, मैं अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम उन शुरूत में से एक शर्त हूं, उन शर्तों में से एक शर्त हूं। इसके माना ये हुए, पहले ये फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा मेरा किला है, जो इस किले में आ जाए महफूज है। फिर फरमाया, याद रखना ये किला भी मशरूत हिफाजत करेगा, सिर्फ इस किले के अंदर आ जाना तेरी हिफाजत के लिए काफी ना होगा। अगर अली इब्ने मूसा रज़ा को छोड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह के किले में आ भी गया, तब भी तेरी हिफाजत नहीं हो सकती। इमाम अली मूसा रज़ा, यानी कि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ आइम्मा अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम की विलायत पर ईमान न रखा, यह बिल्कुल ऐसा ही है कि मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत का भी इनकार किया, परवरदिगार आलम की तौहीद का भी इनकार किया। इसलिए कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आइम्मा अत्थार अलैहिस्सलाम की इमामत पर ईमान रखना यह तौहीद के तकाजों को भी पूरा करता है, नबूवत के तकाजों को भी पूरा करता है।
और सिर्फ इतना नहीं है कि कलिमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए, एक रिवायत और भी है और वो रिवायत ये है, विलायतो अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिना मिन अजाबी, अली की विलायत, अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम की विलायत, इमामत, मवद्दत, मोहब्बत, ये एक ऐसा किला है जो इस किले के अंदर आ जाएगा बच जाएगा, महफूज हो जाएगा, जो इस किले में आ जाए अली की विलायत के किले के अंदर। और समझ में ना आता अगर अली का लाल, अली का वारिस हुसैन इब्ने अली करबलाए मुअल्ला के मैदान में हुर को महफूज न कर लेता। हुर की जो हिफाजत हुई है आका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने जो बचाया हुर को, क्या देखा हुर में, ताजीम सैयदा, मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, एहतराम हुसैन इब्ने अली, इसने तो बचाया है हुर को, और किसने बचाया कौन? अब मौला इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की जो पूरी हदीस है ना, हदीस सिलसिलतु ज़हब, और दोनों ही हदीसें इसके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि ये वाली हदीस भी जो इसका सिलसिला है, इस पूरे सिलसिले में ये जो पूरी हदीस की सनद कह ले, सिलसिला कह ले, सिलसिला किसे कहते हैं, चेन को, सिलसिला तो ज़हब क्यों कहते हैं, गोल्डन चेन, गोल्डन चेन क्यों, इसलिए कि ये चेन वो है कि जो रब्बे जुलजलाल तक जाके मिल रही है, और इसमें जितनी भी सिलसिले की कड़ियाँ हैं वो सारी की सारी मासूम हैं, जनाब जिब्रील से लेकर और मौला रज़ा अलैहिस्सलाम तक ये सारी की सारी कड़ियां मासूम हैं। और कलिमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ये गलत, विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, ये गलत। और इतराज़ किया जाता है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे कि नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, आका ने वली अहदी कबूल कर ली थी ना, दरबारे मामून में जाकर बैठ गए, तशरीफ फरमा हो गए, ये एतराज आज का एतराज नहीं है, ये एतराज है उसी दौर का एतराज, जब किसी ने मौला रज़ा अलैहिस्सलाम को मामून के दरबार में देखा तो आ गया सवाल करने के, और सवाल किया कि आपने विलायत अहदी कबूल कर ली, अपने वली अहद बन गए मामून के। मौला ने इरशाद फरमाया, अच्छा पहले अब सवाल करने वाला, एतराज़ करने वाले का जो टोन होगा ना, उसका जो अंदाज़ होगा ना एतराज़ का, उसी जिस रफ्तार के साथ उसका सवाल आएगा उसी अंदाज से मौला का जवाब आएगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे सवाल होगा उसी फ्रीक्वेंसी पे जवाब आएगा। जैसे उसने ये कहा कि आप वली अहद बन गए, आप मामून के वली अहद बन गए, यानी नेक्स्ट टू किन जिसको कहते हैं, नेक्स्ट टू किन आप बन गए, कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी तो अज़ीज़े मिस्र बने थे, तो जो मिस्र का जो बादशाह था वो तो मुसलमान नहीं था, वो मुवाहिद तो नहीं था, पहले ये जवाब दिया। उसके बाद मौला ने ये फरमाया कि हज़रत, पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दे दी, अज़ीज़े मिस्र बने थे और वो, और फिर दूसरे में उन्होंने कहा कि खुदा की कसम मेरे पास दो इख्तियारात थे, या मौत या वली अहदी, मैंने मौत के मुकाबले में वली अहदी को कबूल किया है, मैं राज़ी नहीं हूँ। रिवायत बयान करती है सरकार अली ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम जब तक मर्द में रहे, बेचैन रहे, बेसुकून रहे, हत्ता के इतने गमगीन और गमजदा रहे कि दुआ करते थे परवरदिगार आलम मेरी मौत को मुझसे करीब कर दे, मैं जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाना चाहता हूँ। अच्छा हुआ क्या था, हुआ ये था कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के आने के बाद मामून ये कहता था कि मैं ये सोच रहा हूँ, अच्छा जैसे मौला आए तो फौरन गया, बज़ाहिर सारा कुछ सिलसिला
मुतवक्किल ने भी अपने दौर में किया था, मामूल कर रहा है। अपने बड़े बड़े जो वज़रा हैं और जो साहिबान मनसब हैं और जो उसके एतबार से इज़्ज़तदार लोग हैं, उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद बताया कि इस जितने अफराद हैं ये सब तुम सुन लो कि सबसे ज़्यादा इल्म के एतबार से मैं फ़र्जंद रसूल हज़रत अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम को मकाम देता हूँ और समझता हूँ। और उसके बाद अकेले में जब ये महफिल बर्खास्त हो गई और मौला को ग्रीट कर रहे थे इसमें और सारा सिलसिला ख़त्म हुआ, जब इसके वज़रा वापस चले गए तो मौला से वन टू वन अब अकेले में गुफ्तगू हो रही है। अकेले में कहता है कि अली इब्ने मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ये सोच रहा हूँ कि ख़ुद माजूर होकर अपनी जगह आपको खलीफा बना लूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ख़ुद माजूर हो जाऊँ और आपको अपनी जगह पर खलीफा बना, अच्छा बनने के लिए। मौला ने फरमाया कि अगर ये खिलाफत तुझे परवरदिगार आलम ने दी है तो तुझे हक नहीं पहुंचता कि उसकी इजाजत के बगैर ये खिलाफत छोड़ दे, और अगर ये खिलाफत तेरा हक नहीं है फिर भी तू सर बैठा है तो तुझे ये हक नहीं है कि तू इसे किसी और को गिफ्ट कर दे। जो चीज तेरी है ही नहीं वो तू किसी और को तफवीज कैसे कर सकता है, गिफ्ट कैसे कर सकता है, इसका तू मालिक ही नहीं है, अहल ही नहीं है। और ये गुफ्तगू तकरीबन कई महीनों तक चलती रही, कई हफ्तों तक चलती रही, मगर मौला रज़ा अलैहिस्सलाम नहीं माने। एक दिन आया और आने के बाद मौला से ही कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपको मनसब खिलाफत और ये सारी चीज़, आका ने जब मना किया तो कहने लगा कि ठीक है फिर आपको वली अहदी कबूल करनी होगी। फरमाया कि खुदा की कसम जब से जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। ये कौन फरमा रहे? मौला रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे। ये आका की मज़लूमियत से भरा हुआ जुमला है कि मौला को ये कहना पड़ रहा है मामून के सामने कि यकीन कर मैं झूठ नहीं बोलता, जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। याद रखना मेरे जद सारी खबरें हमें दे गए और मुझे मालूम है कि मुझे जहर कौन देगा और मैं मजलूमियत के साथ मारा जाऊंगा, शहीद किया जाऊंगा और फुला फुला जगह पर मेरी खबर बनेगी। का इसके माना यह हुआ कि आप यह मनसब या कोई भी मनसब कबूल करने वाले नहीं हैं? मौला ने कहा कि मैं कबूल नहीं कर सकता। कहा कि आपके लिए लाजिम है कि आप कबूल करें मनसब, अगर आपने मनसब कबूल न किया तो इसी वक्त आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये तारीख के जुमले हैं, ये तारीख के जुमले हैं। और उसके बाद बहरहाल जो हुआ वो हुआ, लेकिन आका ने शर्त रखी कि मैं हुकूमत के किसी मामले के अंदर नहीं बोलूँगा, किसी फैसले में मेरा साथ नहीं होगा, कोई लॉ कोई आर्टिकल कोई कानून मैं चेंज नहीं करूँगा, किसी नई चीज़ को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा और तेरे किसी भी मामले के अंदर मेरी हिस्सादारी नहीं होगी। जो तू जिद कर रहा है वली अहदी के लिए तो उस कुर्सी पर मैं बैठा रहूंगा, दूर से बैठ के जो दरबार में होता रहेगा वो सब देखता रहूंगा। यहां तक कि अच्छा ये मामला चलता रहा, उसने भी उस वक्त कबूल किया, मगर एक दिन आया उसने कहा कि ईद का दिन है और एक शख्स वहां पर मुकर्रर था कि जो नमाज ईद पढ़ाता था, कहा आज मैं ये चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि आप नमाज ईद पढ़ाएं। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो मैंने तुमसे ये शर्त रखी थी कि हुकूमत के किसी भी काम के अंदर मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, हाँ अगर तेरा इसरार है तो ये काम बहू बिल्कुल उसी तरह से करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे जद अली मुर्तज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार था। उसने इस बात को कबूल कर लिया। अच्छा मौला का जो कन्वर्जेशन था ना मामून के साथ, उसमें मौला ने उससे कहा था कि मैं जानता हूं कि तू ये सब कुछ करके क्या करना चाहता है। मौला ने फरमाया तू चाहता है कि मैं ये वली अहदी कबूल करूं ताकि लोग ये कहें कि अली इब्ने मूसा रज़ा ने खुद से दुनिया को नहीं छोड़ा था। देखो जिस वक्त इन्हें मौका मिला इन्होंने दुनिया को एक्सेप्ट कर लिया, फौरन मनसब कबूल कर लिया।
तू ये चाहता है। बहरहाल वो लोग आए और उसके बाद एतराज़ात हुए, मौला उसका जवाब देते रहे, लेकिन नमाज ईद की अदायगी का वक्त आया और आकर रज़ा अलैहिस्सलाम ने अमामा रखा, लिबास ज़ेब तन किया, बग़ैर नालेनों के अपने जो पाइचे हैं उन्हें ऊपर किया, पिंडलियों तक मौला के पाया कुदस नज़र आ रहे हैं, और पा बरहना अपने घर से चले। मौला के जो असहाब थे उन सबको मौला ने यह बताया कि तुमने इस अंदाज़ से लिबास पहनना है, ऐसे ऐसे खुशबू लगानी है और मेरे साथ साथ चलना है, और मौला के साथ साथ चले। मौला जैसे अपने घर से बाहर आए हैं, सहरा में पहुँचे, आसमान को देखा, तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद किया। जितने अफराद मौला के साथ थे वो सारे तकबीर की सदा को बुलंद करते चलते चले आ रहे थे, यहाँ तक के लोगों का मजमा इकट्ठा होने लगा और लोग अपनी जगह छोड़कर, अपने काम छोड़कर, अपनी मसरूफियात छोड़कर मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ने लगे, यहाँ तक के जम गफ़ीर और जम कसीर जमा हो गया। और मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ईदगाह की तरफ चल रहे थे, किसी ने मामून को जाके खबर दी कि कोहराम बपा हो चुका है, सारा का सारा शहर अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के पीछे है, कहा फौरन से जाओ और उन्हें जाकर रोक दो और उनको कहो कि अपने घर पलट जाएं, वो जो हर साल पढ़ाता है बस वही पढ़ाएगा अब नमाज। अगर मौला से मुखलिस था तो मौला को वापस भिजवाने की जरूरत क्या थी। और फिर जैसे मामून का नामबर मौला के पास पहुंचा है, वहीं से मौला ने दोबारा से अपने आप को तहिया किया, सवारी पर बैठे और अपने घर तशरीफ ले गए। लेकिन जब जो लोग मौला के साथ थे वो रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे और सब यही कह रहे थे कि ये रसूल का बेटा है, ये रसूल की आज से ताल्लुक़ रखने वाला। बस अज़ान मोहतर, हमने बात को यहाँ पर ख़त्म किया। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के अहवाल और आपकी सीरत तो इतनी ज़्यादा है कि जितना बयान किया जाए उतना कम है। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम जब निशापुर आए हैं, मौला ने एक जनाजा देखा, चलिए दो जुमले और सुन लीजिए। मौला ने एक जनाजा देखा, उस जनाजे के करीब दौड़े और अबासलत हरवी साथ हैं, अबासल देख रहे हैं कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने तशी जनाजा के अंदर शिरकत फरमाई, कंधा दिया और जब दफनाने के लिए रखा गया और उसके कफन के बंद खोले गए तो मौला ने उसके सीने पे हाथ रख के कहा, तुझे जन्नत की मुबारकबाद पेश करता हूँ, कबूल कर, तुझे जन्नत मुबारक हो, ऐ मोमिन जन्नत की मुबारकबाद। उसे दफना दिया गया, मौला वहाँ से तशरीफ ले गए। अब असल ते हरवी ने जब मौका मुनासिब देखा तो आका से सवाल पूछा, मौला जो इल तो फिदा कर अपना रसूलल्लाह, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ ए रसूल खुदा के फर्जन, निशापुर हमारा पहली मरतबा आने का हुआ, आप इस शख्स को क्या पहले से जानते थे, आप जन्नत की बशारत दे रहे, उसका नाम लिया आपने, मोमिन कह रहे और उसके बाद उसका नाम लिया आपने। मौला ने फरमाया कि दुनिया में कोई मोमिन मोमिना ऐसी नहीं कि जिनके नामों से और इनके आबा के नामों से हम वाकिफ ना हों, उनके आमाल से हम वाकिफ ना हों, उनकी मुश्किलात और हाजात से हम वाकिफ ना हों। ये तसर्रुफ और ये इख्तियार और ये विलायत है अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की। اللهم صل على محمد وآل محمد। एक सहाबी कदम निकलने वाला है, वक्त आखिर उसका करीब है, मौला उसकी तीमारदारी के लिए गए मगर वो बेहोशी के आलम में था। मौला उसके बिस्तर के करीब पहुंचे और उसे सलाम किया, नाम लेके सलाम किया, गशी के आलम में था, बेदार होके बैठा और कहने लगा, वालेकुम सलाम या हुज्जतल्लाहिल कुबरा, वालेकुम सलाम या इब्न रसूलल्लाह। और मौला ने उससे ये सवाल किया, कैफा असबाता, तेरा हाल कैसा है। मौला से कहने लगा वो सहाबी के आका उसका हाल क्या होगा कि जो मौत को अपनी आंखों के सामने देख के वापस आ रहा है। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया कि तू जो देख के आ रहा है ना, उसे मौत नहीं कहते, वो मौत नहीं है जिसे तूने अभी देखा, वो मौत नहीं है, वो मौत से पहले की शय है जो तुझे मौत के साथ मिलाने वाली थी, अभी तो मौत के करीब नहीं गया। और उसके बाद वो सवाल करता है, आका ये मलाइका जो आपके साथ हैं वो खड़े हुए हैं,
मौला ने पूछा, मौला ने फरमाया कि तुम खुद पूछ लो कि ये क्यों खड़े हुए, इनके इतनी देर से खड़े रहने की वजह क्या है। मलाइका से पूछा, जवाब आया, इसने पलटकर मौला से कहा, मलाइका ये कह रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि जहां पर जब तक इमाम मासूम इस्तादा और खड़े रहे वहां पर, तब तक तुम भी अदब और एहतराम ताजीम के साथ खड़े रहना, उनके बैठने से पहले बैठने की जुर्रत न करना। और फिर अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और उसके बाद मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बहुत तेजी के साथ, कि मरने वालों की दो किस्में हैं। मरने वाले दो तरह के होते हैं, दो किस्म के मरने वाले हैं। एक वो है कि मुस्तरीहुन बिल मौत, और दूसरे हैं मुस्तराहु मिनहु। एक मुस्तरीहुन बिल मौत, मुस्तरीहुन बिल मौत यानी वो एक कैटेगरी मरने वालों की कि जिनके लिए मौत राहत का सामान बन के आती है। मरने वालों की एक कैटेगरी वो कि जिनके लिए मौत राहत हो। वल मुस्तराहु मिनहु, मौत मरने वालों की दूसरी कैटेगरी वो है कि जिनके मरने से दूसरे सुकून में आ जाएं। अल्लाह, मौला फरमा रहे दो हैं मरने वाले, मरने वालों की दो किस्में, मुस्तरीहुन बिल मौत वल मुस्तराहु मिनहु। एक वो कि मौत जिनके लिए राहत का पैगाम बन के आए, और दूसरे वो कि जिनके मरने से दूसरों को राहत मिले। पूछा मौला कैसे, फरमाया कि अगर पहले ग्रोह में से होना चाहते हो तो जद्दद ईमान का बे विलायतना अहलुल बैत, अगर पहली किस्म में से होना चाहते हो तो हम अइम्मा की इमामत पर ईमान रखो और हमारी मवद्दत और मोहब्बत को अपने दिल में बसा के रखो, और दूसरे वो कि जो हमारी मुहालिफत में हो, जो हमसे बुग्ज़ रखने वाले, उनकी दूसरी कैटेगरी है। और जब सवाल किया जाता है ना कि अगर कोई अहले बैत के मसलक से ना हो मगर उनसे मोहब्बत रखने वाला हो, बयान है कि उसे उस हद तक, कम से कम दुनिया की हद तक, उसे मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत का फायदा जरूर मिलेगा। अब ये तो बात हो गई यूं, मगर अज़ान मोहतरम जिस्म से रूह के निकलने का जो मंजर है, एक मोमिन का अलग है और जो मोमिन नहीं है उसका बहुत अलग है। एक तो आपने सुनी लिया वल मुस्तराहु मिनहु, दूसरा क्या, मुस्तरीहुन बिल मौत वालों की एक कैरेक्टरिस्टिक और सुन लें। बस मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की आखिरी हदीस, और इस हदीस के ऊपर हमारी आज की ये महफिल अपने इख्तिताम को ऐसे पहुंच जाएगी कि सिलसिला नसर और जो तकरीर का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा, नज़म का सिलसिला का फिर इंशाल्लाह आगाज़ होगा, जिसमें मनकबतें सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पेश की जाएगी। आप तशरीफ़ रखिएगा, सुनिएगा। मगर वो हदीस मौला रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्ना अशद्द शीअतना लना हुब्बन, वो हमारे शिया कि जो हमारी मोहब्बत में बहुत शदीद हैं, यकूनो खुरूजो नफ्स ही, उनके नफस के, उनके जिस्म से रूह के निकलने का अंदाज ऐसा होगा, का शुरब अहदकुम फी यौम सैफे अलमा अलबारिदा, जैसे तुम शदीद गर्मी के दिन में ठंडे पानी का एक कूजा पी लो, जितनी राहत तुम्हें ठंडे पानी का वो एक ग्लास पीकर महसूस होगी, हम से शदीद मोहब्बत करने वाले हमारे शिया, उनके जिस्म से उनकी रूह के निकलने का मंजर ऐसा ही होगा। मुझे बताइए, अब हम खौफ तो नहीं करेंगे, अब तो हम तैयार रहेंगे, इसलिए कि वो है बहाना कि आज तक कब्र अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत हुई, वक्त मौत चेहरा अनवर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी। इस दुआ के साथ के परवरदिगार इस हमारे बयान को अपनी बारगाह से मकबूल मंजूर फरमाए, इस फर्श ज़िक्र अहले बैत अथार के सदक़े में बारगाह सरकार इमाम रऊफ मौला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम सब की हाजात शरईया को रवा फरमाए, हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए, हमारे ईमान में आन बान इजाफा फरमाए, और इस मवद्दत व मोहब्बत अहले बैत अथार को हम अपनी नस्लों में आगे मुंतकिल कर सकें, समानत को इमाम ज़माना अली सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हमें आका व मौला के अंसार में असहाब में शामिल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।